मोमोज की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन रखेंगे, एक कप इसमें पानी डालेंगे। पानी में उबाल आ गया है, ये हमने थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची ली है, इसको पानी में डाल देंगे। ये हमने दो टमाटर लिए हैं जिसको हमने आधा आधा काट लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। टमाटर को और मिर्ची को पानी में पकने देंगे, थोड़ा सा इनको सॉफ्ट होने देंगे। ये हमारे टमाटर और मिर्ची सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो इनकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है और ये अलग होने लगी है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिर्ची और टमाटर को निकाल लेते हैं। ये हमने टमाटर और मिर्ची को निकाल लिया है और टमाटर के ऊपर की स्किन हटा देंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी आसानी से इसकी स्किन अलग हो रही है। सारे टमाटरों की स्किन हटा देंगे। हमने सारे टमाटर की स्किन हटा दी है, अब ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब हम मिर्ची का और टमाटर का पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने इसका टमाटर का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। चटनी को हमने निकाल लिया है, अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम 1 पिंच हींग डाल देंगे। अब इसमें जो हमने चटनी बनाई थी चटनी डाल देंगे। अच्छे से थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी चटनी कितनी अच्छी बनी है, एकदम इसका कलर कितना अच्छा आया है। मोमोज की चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मिक्स कर देंगे। ये हमारी मोमोज की चटनी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और चटनी को निकाल लेते हैं। ये हमने मोमोज की चटनी को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आपको मेरी मोमोज की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी मोमोज की चटनी कैसी लगी।